ये देख क्या खर्चा। तेरे पतिदेव गुस्सा नहीं करते क्या? अरे वो क्यों करेगा, उसके पैसों से थोड़ी की है शॉपिंग। मेरे मम्मी के जो हस्बैंड है ना, वो इतने रिच हैं कि उनके लिए तो ये सब लूज चेंज है। पागल, सुनिए सुनिए सुनिए, इस साल की बेस्ट शॉपर ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है राजकुमारी पाखी अधिक मेहता को। वाह 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 वाह। यार मम्मी आप क्यों एकदम चुप? तमीज से, मम्मी हूं तेरी यार नहीं। ये मंगाने की क्या जरूरत थी? ये इतनी सारी जो बोतल यहाँ पड़ी है इसका क्या? ये इतने सारे पहले से पड़े हुए हैं, ये सब कब इस्तेमाल करेगी? ये सब क्यों ऑर्डर किए हैं? नए नए कपड़े हमेशा, देख कितने कपड़े हैं इसमें। सामान इस्तेमाल करने के लिए होता है, उन्हें अलमारी में खजाने की तरह भर के उन पर रक्षक नाग बनकर बैठने के लिए नहीं। अरे नहीं पहनती कपड़े तो दे देने किसी गरीब को, जरूरी है पैसे है तो बर्बादी करना है ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग कर करके। और अगर बर्बाद करना ही है ना तो अपने पैसे बर्बाद कर, खुद कमा फिर खुद उड़ा। आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना? ये देख, बकवास मत कर, मेरा दिमाग पहले ही घुमा हुआ है। अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? पैसे बड़ी के है ना, वो कुछ नहीं बोले तो आप कौन होती हो बोलने वाली? मैं तेरे बड़ी की पत्नी हूँ, अगर मैं नहीं होती तो तेरे बड़ी तुझे जानते तक नहीं। मैं बस अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस घर में मेरी किसी को पड़ी नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। No one cares. मैं मां नहीं बन सकती, तो बस शॉपिंग करके अपना दुख भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तुझे दुख को बहाना बनाना है, अपनी बदतमीजी का, अपनी फिजूल खर्ची का बहाना और कुछ नहीं। रियली मम्मी, अगर यही सब शॉपिंग डिम्पी ने की होती ना तो आप उसको मेडल दे देती। वो तो तेरे स्वर्गवासी भाई के सपने को अपना सपना बनाकर अपना दुख भुलाने की कोशिश कर रही है, अपने पैरों पर खड़े होकर अपना दुख भुलाने की कोशिश कर रही है, मेहनत करके अपना दुख भुलाने की कोशिश कर रही है। तो वो तो उसको करना पड़ेगा ना मम्मी, उसको बेबी होने वाला है, वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? एटलीस्ट उसके पास मोटिव तो है। तुझे मोटिव चाहिए ना, तो चल मैं देती हूँ तुझे मोटिव। अपने बच्चे के लिए जीने से पहले अपने लिए जीना सीख, अपने पैरों पे खड़े होना सीख, अपने आप को साबित कर, अपना एक वजूद बनाने स्वीटी। ये फसाद की जड़ ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी।